अस्सलाम वालेकुम जी। सीडीए और इस्लामाबाद पुलिस ने जो धावा बोला है पीटी ऑफिस के ऊपर, उसके हवाले से तफसील दूंगा। अभी वहां पर ही मैं मौजूद हूं। ये हुआ क्या है? ट्वीट्स के जरिए हमें कोई 11:30 आपने देखा होगा टाइम, कोई इसी के राउंड पता चला कि वहां पर जो है वो सारा टीमें पहुंच चुकी हैं, सीडीए की पुलिस पहुंच चुकी है और उन्होंने गिरा देना है, सील कर देना है। तो फिलफौर हम वहां से निकले, सीसी में मैसेज हुआ, उमर अयूब साहब भी निकले, गौहर साहब भी निकले, शुएब शहीन साहब भी निकले, अली बुखारी साहब भी निकले और अमर मुगल साहब भी निकले, सिमाबिया तहर भी निकली और भी जितने हमारे तमाम जो है वो रहनुमा लीडर वो सारे जो हैं वहां पर पहुंचे। जो ही पहुंचे हैं देखते हैं जी कि वो गिराई जा रही है, वो इंक्रोचमेंट जी हुई है जी, यहां से वॉल गिरा दो जी, वो बिल्डोजर लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी है, सीडीए का अमला खड़ा है, उमर अयूब साहब गौहर साहब लीड कर रहे थे। फौरन जाकर कहा गया कि जनाब कौन है आपका इंचार्ज, बुलाया जाए, हमें उनसे मिलवाया जाए। इंचार्ज साहब से मिले, जी मैं जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हूं, मुझे हदायत है। क्या हदायत है जी? गिरा दो जी। क्यों गिराओ जी? कोई है आपके पास लीगल चीज? क्या आपने कोई नोटिस भेजा है पीटीआई ऑफिशियल को? कहते जी हमने भेजा है, हमें कोई नोटिस नहीं भिजवाया गया, कोई हमें नोटिस नहीं भिजवाया गया। झूठ 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 झूठ, क्योंकि डायरेक्शंस के ऊपर ही आए हुए थे कि आपने जाकर गिरा देना है। अब आपने पेपर निकालना हो, एक डॉक्यूमेंट बनाना हो, टाइपिंग करो कंप्यूटर पे, ये नोटिस होगा, वो नोटिस होगा, वो नोटिस होगा। क्या आपने कहीं टीवी के ऊपर देखा हो या हमारे किसी तरफ से किसी लीडर की तरफ से कोई बयान आपने देखा हो? कहीं पर हमने कहा हो कि ये हमारा ऑफिस गिराना चाहते हैं? कहीं पे बात सुनी है? अचानक से ये नमूदार हुए हैं, कोई उनके पास नहीं था। कहते हैं जी कि हम आपको दिखाते हैं, हमने कहा दिखाएं? कहते हैं टीवी के सामने ये चैनल्स वाले हैं, यहां पर बात ना करें। हमने कहा क्यों ना करें, करनी है, आप बताएं, आप दें हमें, जैसे जो आपने किया है, जैसे आपने रात 12 बजे आकर हमला किया है। ये पाकिस्तान तरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, उसके सेंट्रल ऑफिस के ऊपर हमला जो किया गया है, पाकिस्तान की अवाम के दिलों के ऊपर ये अटैक किया गया है और जिस तरह से आकर तोड़फोड़ की गई कि कोई आपने कोई चीज दिखाई नहीं हमें, क्या ये कानून है? क्या ये मुल्क के अंदर आईन चल रहा है? पूछा गया जी, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर जनाब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, सारा मामला हुआ वहां पर, सारे लोग और अमर मुगल हमारे साथ निहत्ते खड़े हैं, उसके को घसीटते हुए उसे मारते हुए लेकर गए। अमर मुगल जो यहां फार्म 45 के मुताबिक एमएनए हैं, उनको साथ खड़े थे, क्यों लेकर जा रहे हैं? क्या आपने क्यों? मसला क्या है? मैं आपके सामने 4 से 5 चीजें रखूंगा। नंबर वन, अगर ये जगह गैर कानूनी थी और इस जगह के ऊपर गैर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन की गई थी, तो आज तक क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं कोई नोटिस भिजवाया गया? फिर भिजवाया जाता ना, पहले भी कहा जाता ना, आज तक क्यों खामोशी रखी गई? आज अचानक से आपने दावा बोला, कोई जवाब नहीं इनके पास। झूठ बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, नोटिस, कोई नोटिस नहीं भेजा, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। नंबर टू, अगर गैर कानूनी जगह थी, हमने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो आप हमें बताएं कि कौन सी आपने लीगल सारी जस्टिफिकेशन दी है? क्या आपने हमें टाइम दिया है, आपने नोटिस भेजे हो, हमें टाइम दिया हो कि हम आपने हक में सफाई दें? कोई चीज की आपने? नहीं की। नंबर थ्री बात, अगर आप समझ रहे थे कि ये जगह जो है वो गैर कानूनी है और हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है, कब्जा किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट हमें भेजा? कहीं आपने टीवी चैनल के ऊपर या आपने अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर या कोई ऐसी चीज दी आपने कि ये गैर कानूनी है? और उसकी क्या जस्टिफिकेशन है जो आप लेटर बना रहे हैं कि ये हो गया, नोटिस हो गया, कि वो ओरिजिनल है? क्योंकि यहां पर तो फॉर्म 47 जो है वो एक मिनट में बन जाते हैं, 45 वाले लेके फिर रहे होते हैं कि ये ओरिजिनल है, लेकिन आप बना लेते हैं। नंबर फोर बात, किसी कोर्ट ने
ऑर्डर दिया था, क्या कोर्ट का वो फैसला था कि आप जाकर वहां पर तोड़फोड़ करें, गिराएं? कोई जवाब नहीं है। नंबर फाइव में मैं आपको सारा बताऊंगा कि ये हुआ क्यों है। ये हुआ इसलिए है क्योंकि कभी ख्वाजा सराओं के रूप में लोगों को भिजवाकर अटैक किया जा रहा है, और कभी उस ऑफिस के ऊपर हमला करके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, आवाज इनकी बंद की जाए, यहां से सारी मीटिंग्स सीसी की दूसरी तीसरी कंडक्ट होती हैं, इंतजामी मामला जो हैं वो कंडक्ट होते हैं, पीटीआई सारे यहां पर वो सारी बॉडी आते हैं, वर्कर्स आते हैं, यहां पर इनका ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस है, इलेक्शन हमारा हो, कोई भी चीज हो तो यहां पर मौजूद हर चीज वो होती है, यहां से मीडिया वाले सारे हमारे यहां पर बैठे होते हैं जो हमारा मीडिया सारा वो देखते हैं करते हैं। तो ये क्यों किया गया? इसी वजह से किया गया कि ये आवाज बंद की जाए। शाम आपने देखा कि तमाम मीडिया को एक मरासला भेजा गया है कि जजेस के हवाले से बात ही नहीं करनी, और आपने देखा कि हद तक के इज्जत के ऊपर भी जो है वो लॉ पास किया गया है कि कोई बोले नहीं। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बात करे, फिर आइन खत्म कर देना, तमाम आर्टिकल खत्म कर दें, राइट टू स्पीच भी खत्म कर दें, राइट टू एक्सेस भी खत्म कर दें, राइट टू जो है लिबर्टी भी खत्म कर दें, फेयर ट्रायल भी खत्म कर दें, राइट टू प्राइवेसी भी खत्म कर दें, राइट टू प्रॉपर्टी भी खत्म कर दें, हर चीज खत्म कर देना, फिर क्यों चला रहे हैं? जब आपने पाकिस्तान के लोगों को, शहरियों को ये हकूक देने नहीं है, तो खौफ सिर्फ और सिर्फ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था जिसकी वजह से यह किया जाए। और वहां पर आपने देखा कि अमर मुगल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि चुप हो जाए, आवाज बंद हो जाए, कोई बात ना करे, कोई तनकीद ना करे। हम जिन्होंने ये सारा पीछे से प्लान किया, जिन्होंने ये कानूनी काम किया, उनके ऊपर FIR जो है वो दर्ज करवाने के लिए